अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, कैसे हो आप लोग बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्स कैसे हुए आप लोगों के? अच्छा, मैम अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहे हैं। जी हम पेशेंट सेफ्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी 1 का हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग तकरीबन अपने 6 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हमारा 7th टॉपिक है, ठीक है। ये इस टॉपिक का नाम है मेथड्स फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है जी। मैम हमारे कितने लेक्चर रह गए हैं? लेक्चर आप लोगों के 4 और रह गए हैं। और ये अब जो है आप लोगों का जो लेक्चर है मेथड ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने स्लाइड उसकी अपलोड कर दी हुई है। और लेक्चर 5 या 6 तक मेरा ख्याल है कि उसकी मैंने रिकॉर्डिंग्स भी डाल दी, शायद लास्ट वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं एक दफा चेक कर लूंगी, ठीक है। लेक्चर पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा चीजें, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा इस सब्जेक्ट का, मिड्स नहीं होते इसके, तो उसके लिए फिर आप लोग जो है वो तैयारी कर लीजिएगा, सही है जी। अच्छा जी, अब हमने आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। बड़ा छोटा सा लेक्चर है, आसान सा लेक्चर है, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं है। बेसिकली ये है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होती क्या है, और इसको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में किस तरह से होती है। हेल्थ केयर की बात करेंगे, हेल्थ केयर में आप कैसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो मेथड्स है उनको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टूल्स हम लोगों ने उनके बारे में डिस्कस करना है, सिर्फ उनकी बेसिक डेफिनेशन है कि वो टूल्स होते क्या है, आपको उनके बारे में जनरल सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो क्या होते हैं, ठीक है जी। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, नजर आ रहा है सब कुछ? यस मैम। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमने इस टॉपिक में क्या चीजें देखनी है कि टू डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, यानी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, एंड इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द मेथड्स एंड टूल्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। यानी कि आप लोगों को ये बताना है कि जो आपकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है उसके लिए कौन से मेथड्स और कौन से टूल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। नॉलेज डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या है कि हमें चाहिए जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल क्या होता है, चेंज कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मेथड्स की एग्जांपल्स हम लोगों ने भी देखनी है, और हमें देखना है कि हमारे पास क्लिनिकल केयर से रिलेटेड जो मेथड्स हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है। साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारा बेसिकली ये है, बेसिकली सबसे पहले चीज आती है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेथड जो है वो क्या होते हैं, उनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। बात सारी वहीं से शुरू होती है कि इससे पहले ये वाली स्टडी स्टार्ट होने से पहले, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से पहले पहले भी कुछ इस तरह की रिसर्चेस वगैरह होती थी, कोई भी स्टडीज होती थी तो उसमें, या वैसे भी कोई वर्कशॉप होती थी उसमें जब क्लिनिशियंस को वो गाइड कर देते थे कि आप अपना मेथड थोड़ा सा ठीक कर लें, पेशेंट्स को इस तरह गाइड करें, आपके यानी जो भी आप पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उस तरह से ठीक होनी चाहिए, तो बहुत ही कम परसेंटेज जो होती थी लोगों की जो उनको वाकई अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते थे, यानी अपना मेथड जो है वो चेंज कर लेते थे। यूजली ये होता था कि जो भी डॉक्टर्स हैं या क्लिनिशियंस हैं, इवन नर्सेज भी हैं, वो अपने जिस एक रूटीन पे चल रहे हैं वो उसी को फॉलो करते थे, वर्कशॉप्स वगैरह से या टॉक्स से जो है वो उनको खास फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है जी। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए जो है वो हमारे पास क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेथड्स जो है वो बेसिकली डिस्क्राइब किए गए कि वो उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करेंगे, तो करते करते शायद आपकी जो हेल्थ केयर सिस्टम की एक जो क्वालिटी है, जो पेशेंट को आपने एक प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, ठीक है जी। अब हमारे पास ये चीज आती है कि जो हमारे पास ये है साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट वाली चीज, वो बेसिकली क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है जो कि जिनको हम कहा जाता है कि वो उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट थ्योरी पेश की, उनको फादर ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्योरी कहा जाता है, उनका नाम है सर एडवर्ड डेम, ठीक है जी। उन्होंने जो है ये साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड 4 कंपोनेंट्स हमें बताए कि ये 4 कंपोनेंट्स हैं। आपने किसी भी सिस्टम को जब पढ़ना है, जब स्टडी करना है, या उसको इवन आपने इम्प्रूव भी करना है, तो ये 4 कंपोनेंट्स आपको उससे रिलेटेड आने चाहिए। कंपोनेंट्स से मुराद ये है कि आपको इनकी बहुत इन डेप्थ डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है जी, आपको बस लेकिन इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों के बारे में आपकी होनी चाहिए। इनमें 4 कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले अप्रिशिएशन ऑफ सिस्टम है, फिर आपके पास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन है, फिर थ्योरी ऑफ नॉलेज है, एंड देन आपके पास साइकोलॉजी है।
अब जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है वो बेसिकली यही है कि जैसे एक और साइंटिस्ट ने इसी तरह से कहा कि जैसे अब किसी बंदे ने अगर गाड़ी चलानी है, अगर उसको ये चीज नहीं भी पता कि गाड़ी चलती कैसे, उसका पूरा एक तो जो मैकेनिज्म है वो किस तरह का, अगर उसको वो नहीं पता, वो उसके बावजूद भी वो बंदा गाड़ी चला लेता है, ठीक है। तो यही चीज है कि जो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आप लोगों ने जब अपनी स्टडीज में इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए आपको किसी भी सिस्टम की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ इन डेप्थ डिटेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज हो और उसके बाद आप उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आप उसमें चीज आती थी कि आपके पास जो है वो एप्रिसिएशन ऑफ सिस्टम। एप्रिसिएशन ऑफ सिस्टम में बेसिकली क्या है कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपने किसी भी सिस्टम को, यानी हम हेल्थ केयर की बात करेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सिस्टम जो है वो काम कैसे कर रहा है, उसमें जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं, जैसे सारे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ये बातें की हैं कि हमारे जो सारे सिस्टम में हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, वो मतलब किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। फिर जो भी उससे नीचे भी जितने भी लोग हैं, इसके अलावा आपके जो सारे प्रोसीजर्स हैं, जितने भी आप लोगों के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, इक्विपमेंट है, ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इस चीज की होनी चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे तो उसकी इतनी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि आपको पता होगा कोई भी सिस्टम जो है वो काम कैसे कर रहा है। सेकंड नंबर पे आपके पास आती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन जो है क्या होती है, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो वेरिएशन किसको कहते हैं, कोई आइडिया क्या होती है वेरिएशन? जी, एनीवन? मैम चेंज आ जाना। वेरिएशन बेसिकली यही होता है कि किसी भी चीज में कोई डिफरेंस आ जाता है, दो तरह की अगर सिमिलर चीजें हैं उनमें कोई भी चेंज आ जाता है, ठीक है जी, वो आपके पास वेरिएशन होती है, डिफरेंस होता है किसी भी सिमिलर चीजों में। अब अगर आप मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं तो वेरिएशन हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ सकती है कि किसी भी प्रोसीजर के आउटकम्स वेरी कर सकते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी अगर आप कोई सर्जरी जो है वो किसी रूरल एरिया में परफॉर्म कर रहे हो और कोई सर्जरी आप अपने शहर वाले एरिया में परफॉर्म कर रहे हो, तो इनके आउटकम्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। इवन एक ही हॉस्पिटल के बीच में एक मतलब दो डिफरेंट वार्ड्स हैं, तो उनके भी जो कंडीशंस हैं, उनके भी जो मैनेजमेंट वाला हिसाब है, वो सारा डिफर कर सकते हैं, जिससे उसमें वेरिएशन आ सकती है, ठीक है जी। इसी तरीके से ये है कि अगर आप चलो सिटी की बात कर ले तो वेरिएशन यानी किसी भी चीज में आ सकती है, ठीक है जी। अगर आपके पास लोग पूरे नहीं है, आपका स्टाफ पूरा नहीं है, उसकी वजह से भी वेरिएशन, आपकी जो एक सिमिलर प्रोसेस आपका चल रहा था, अगर 3 दिन सही ठीक चला है तो अगले चौथे दिन या पांचवें दिन उसमें भी वेरिएशन आ जाएगी, आपका स्टाफ पूरा नहीं था, आपका काम नहीं सही हुआ। तो ये जो सारी वेरिएशन है इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अब आपको कैसे होगी कि जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, ठीक है जी। क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जब भी आप अपनी क्लिनिकल सेटिंग में जाओगे, जो भी आपके सुपरवाइजर्स होंगे, कुछ होंगे, आप उनसे अगर वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि ये चीज जो है ये पहले अगर ऐसे हो रही थी, अब ये इस तरह से क्यों हो रही है, क्या वजह है, मतलब क्यों वाला जो अगर आप एक चीज अपने अंदर लेकर आएंगे, तो तब जाके आप ये वेरिएशन को समझने के काबिल हो, ठीक है जी। फिर अगली चीज आपके पास आती है थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज में क्या है बेसिकली कि आपने यानी जो भी चेंजेस आपके सिस्टम में आ रही हैं उससे रिलेटेड जो है आपने प्रिडिक्शंस देनी है, ठीक है जी। प्रिडिक्शन देने से मुराद ये है कि आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जो है वो कोई काम किया, ठीक है, कोई आपने नया स्टेप इंट्रोड्यूस किया या कुछ भी किया, उससे रिलेटेड ये है कि आपने प्रिडिक्शंस देनी है। यानी प्रिडिक्शन देने से मुराद ये है कि आपने ये चीज देखना है कि अगर आप ये चेंज लेकर आ रहे हो तो फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये आपको कैसा रिजल्ट देगा। प्रिडिक्शन तो यानी स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, मतलब जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए भी आपको होता है कि अच्छा अगर मैं इतना सिलेबस कवर कर लूंगा तो मैं मतलब मेरे इतने परसेंट चांसेस हैं कि मैं पास हो जाऊंगी, ठीक है जी। एक तो ये चीज होती है, तो इसी तरीके की प्रिडिक्शन के अगर आपको काम कर रहे हो तो उसके बाद इसका रिजल्ट किस तरह का आएगा, इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो ये चीजें आपके थ्योरी ऑफ नॉलेज के बीच में आ जाती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अब आपके पास जो लास्ट चीज आती है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी से मुराद ये है बेसिकली कि हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये वाली जो साइकोलॉजी है ये इसकी भी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। और उसके बाद जाके जब ये चार कॉम्पोनेंट्स आपके कवर हो जाएंगे तो फिर आप जाके इम्प्रूवमेंट वाली चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला जो सारा सिस्टम है, पूरा सिस्टम ऑफ इम्प्रूवमेंट का, ये इस इन्हीं चार कंपोनेंट्स के ऊपर चल रहा है। जब इन चार चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी, चार कंपोनेंट्स की होगी, तो उसके बाद जाके इम्प्रूवमेंट का अलग प्रोसेस चलेगा फिर। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के मैयर्स लिए जाते हैं देखने के लिए कि आपका जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किस तरह से किया जा रहा है। मैयर्स अब आपके पास 3 तरह के हैं, आउटकम मैयर्स हैं, प्रोसेस मैयर्स हैं और बैलेंसिंग मैयर्स हैं, ठीक है जी।
मेजरमेंट बेसिकली होती ही क्या है, मेजरमेंट आपके पास क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काफी सेंसर सा कंपोनेंट है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली मेजर जो है ये लोगों को फोर्स करते हैं कि वो देखें कि वो काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उसको वो इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है जी, कि वो काम किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीजें बेसिकली आपकी मेजरमेंट्स में आती है। अगर कोई बंदा, जैसे अगर आप स्टूडेंट ही हो तो अगर आप अपनी चीज देख रहे हो कि अच्छा आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है या वो आपकी यानी सही नहीं है, मतलब आप पढ़ भी काफी रहे हो लेकिन आपके मार्क्स फिर भी सही नहीं आ रहे, तो उससे उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, उसको ठीक करने के लिए आप अपना पूरा एक पीछे वाला प्रोसेस देखोगे कि क्या क्या आप करते रहे हो, और उसके बाद जाके आप उस चीज को, जब आप पूरी चीज के ऊपर फोकस करोगे फिर ही आप इस काबिल होगे ना कि आप अपनी गलती को ढूंढो और उसको इम्प्रूव करो, फिर जाके आपके मार्क्स इम्प्रूव हो। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपके पास आपके मेजर्स में आ जाती है। हमारे पास तीन टाइप के मेजर्स हैं, आउटकम है, प्रोसेस है और बैलेंसिंग मेजर्स है। आउटकम मेजर्स में हमारे पास क्या चीजें हैं, इसमें बेसिकली आ जाता है कि किसी भी आउटकम को आपने किस तरह से देखना है। आउटकम अब आप किस तरह से देख सकते हो, जब आपके पास पेशेंट आ गया है, उसकी फैमिली आ गई है, वो लोग इलाज करवा के चले गए हैं, तो आप ये काम कैसे कर सकते हो, आउटकम देखने के लिए आप सर्वेस कर सकते हो, सर्वेस करोगे, उनका व्यूज लोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, फिर आप क्या करोगे कि आप उनके इंटरव्यूज कर सकते हो, इंटरव्यू से आपको पता चलेगा कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं आपने जो भी उन्होंने जो भी अपना ट्रीटमेंट करवा के गए हैं, जो भी अपना हेल्थ केयर सिस्टम से गुजर के गए हैं। ठीक है जी, अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी, मेजर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आउटकम मेजर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि क्या होते हैं। बेसिकली आपने जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वेज हैं या कोई दूसरे ऐसे प्रोसेस हैं जैसे इंटरव्यूज वगैरह हैं, वो इसमें इसके बीच में आ जाते हैं, आउटकम मेजर्स की हेडिंग के बीच में। ठीक है जी, तो उसके अलावा आपके पास प्रोसेस मेजर्स हैं। प्रोसेस मेजर्स क्या है, ये बेसिकली बताते हैं कि जो किसी भी सिस्टम की वर्किंग है वो किस तरह की। ठीक है जी, कोई भी सिस्टम काम कैसे कर रहा है ये बेसिकली आपको प्रोसेस मेजर से पता चलेगा। प्रोसेस मेजर जो है वो यूजली कोई भी क्लिनिशियन होगा वो कर सकता है, या जो कोई अगर मैनेजर है वो कर सकता है देखने के लिए, तो उसने देखना है कि अगर कोई भी जिस भी वो हेल्थ केयर सर्विस में काम कर रहा है या सिस्टम में काम कर रहा है तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये देखना। ठीक है जी, ये कोई भी काम कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा है। इसके एग्जांपल में ऐसे आ जाता है कि जैसे आपको मैनेजर है तो अगर वो देखेगा कि उसकी जो अगर एक आईसीयू है तो उसके दिन में जो है वो मतलब इतने दिनों में, एक हफ्ते में कितने बेड जो है वो फुल होते हैं, कितनी जल्दी वो खाली हो जाते हैं, यानी कितने पेशेंट्स आ रहे हैं कितने पेशेंट्स जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह की चीजें जो है वो प्रोसेस मेजर्स में आ जाती हैं। फिर बैलेंसिंग मेजर्स हैं। बैलेंसिंग मेजर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि कोई भी आपने चेंज लेकर आना है अपने इम्प्रूवमेंट के चक्कर में। ठीक है जी, आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, क्वालिटी बेहतर करनी है, उसके लिए आपको चेंज लेकर आ रहे हो। बैलेंसिंग मेजर में आपने ये देखना होता है कि जो चेंज आप लेकर आ रहे हो उसकी वजह से तो नहीं कोई एडिशनल साइड इफेक्ट हो रहा, ये चीज देखने के लिए आपके पास बैलेंसिंग मेजर्स होते हैं। इसमें जैसे ये आ जाता है कि अब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है उसके अंदर एक चीज ऐसी आती है, हॉस्पिटल्स के बीच में कोशिश ये की जाती है कि जो पेशेंट का स्टे है हॉस्पिटल में, जो रहने वाला जो पेशेंट का टाइम है वो कम से कम रखा जाए। कम से कम रखने से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बस जल्दी जल्दी फारिग कर दिया जाए, हॉस्पिटल से उसको निकाल दिया जाए, इस तरह नहीं है। इस तरह है कि पेशेंट को आप इतनी क्वालिटी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करो कि पेशेंट जल्दी ही जल्द अज जल्द ठीक हो और वो चला जाए, आप उसको डिस्चार्ज कर दो। ठीक है जी, एक तो ये चीज होती है। अब इस चीज का साइड इफेक्ट कैसे आ सकता है कि ये जो जल्दी जल्दी के चक्कर में है उसको क्वालिटी आप हेल्थ केयर सर्विस में प्रोवाइड करो, इसके बावजूद ये हो सकता है कि पेशेंट एक दफा चला तो जाए लेकिन हो सकता है कि वो फिर किसी और मसले की वजह से कुछ दिन बाद दोबारा आ जाए। तो यानी ये है कि अगर आपने लेंथ ऑफ स्टे कम किया है हॉस्पिटल में, उसके रिजल्ट में उसका साइड इफेक्ट ये अगर आ जाता है कि जो रीएडमिशन है वो कम से कम ही होना चाहिए। अगर ये रीएडमिशन ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वो चीज ठीक नहीं है।
ठीक है जी। तो ये चीज देखने के लिए बैलेंसिंग मेजर्स आपके पास लिए जाते हैं। बैलेंसिंग मेजर्स क्या है कि ये देखने के लिए कि आपने कोई चेंज लिया है, कोई चेंज लाने की कोशिश की है, लेकिन उसके आपके पास साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए एज कम्पेयर टू कि जो आपके पास उसके अच्छे इफेक्ट आने चाहिए। ठीक है जी। तो ये चीजें देखने के लिए आपके पास बैलेंसिंग मेजर्स होते हैं। तो ये तीन टाइप के मेजर्स जो है बेसिकली लिए जाते हैं इंप्रूवमेंट में। मेजरमेंट क्या होती है बेसिकली कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काफी एसेंशियल कंपोनेंट है ये देखने के लिए कि कोई काम जो है वो किस तरह से हो रहा है। लोग जो भी काम करें वो रिफ्लेक्ट करें बेसिकली कि अपने पूरे पिछले पूरे प्रोसेस को देखें, पिछले पूरे स्टेप्स को देखें कि वो काम किस तरह से हो रहा है। ठीक है जी। एक तो आपके पास ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो आते हैं आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट मॉडल। क्वालिटी इंप्रूवमेंट मॉडल बेसिकली क्या है, ये इसी तरीके का एक मॉडल फॉर इंप्रूवमेंट बनाया गया जिसमें आपने इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देना है। और इन तीन क्वेश्चंस का आंसर आपने किस तरह से देना है, सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, यानी हम क्या देखना चाह रहे हैं। देखना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के पीछे आपका आइडिया क्या है कि बेसिकली आपने जो भी आपकी हेल्थ केयर टीम है जो भी एफर्ट्स कर रही है उसको गाइड करना है और उसका जो है वो फोकस देखना है कि वो काम किस तरह से कर रही है। ठीक है जी। कि उसने क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है कैसे करेगी, वो ये है कि जो प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्ट कर रही हैं वो उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको स्टडी करना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उनको जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करनी है। What are we trying to accomplish? हम basically हमारा गोल क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का हम लोगों को बताना चाहिए। जब ये क्वेश्चन पता होगा कि हम लोगों का एक गोल क्या है, हम लोगों ने अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है तो किस चीज से रिलेटेड करनी है, इसका पता होगा तब हम उसके बाद ही हम अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो है वो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली प्रोसेस के साथ आप इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी ये नहीं है कि सिर्फ अगर एक प्रॉब्लम जो है वो किसी एक ही बंदे को लग रही है तो आप उसके ऊपर एक पूरा जो है वो कमेटी बिठा दो और सारा आप काम करना शुरू कर दो, इस तरह से काम नहीं करता। ये है कि आपके पास काफी सारे लोग हों जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, उसके बाद जाके वो डिफरेंट जो है वो अपने ओपिनियंस दें, तब जाके आपके पास एक प्रॉब्लम आए कि अच्छा ये प्रॉब्लम वाकई ऐसी है जिसको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आप उसको एड्रेस करने की कोशिश। नेक्स्ट अब आपके पास आता है कि हाउ विल वी नो दैट अ चेंज इज एन इंप्रूवमेंट। जब हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हम चेंज लेकर आ रहे हैं वो इंप्रूवमेंट ही है। ठीक है जी। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको ओवर टाइम पता चलेगा। यानी जब आप चेंज लेकर आ गए हो तो उसके बाद आपने उसको ऑब्जर्व करना है, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे आप उसको देखोगे कि ये चेंज आप लेकर आए थे इसका कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ, यानी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी किया है कि नहीं, ये सिर्फ ये चेंज ही आया लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि हो सकता है कि उल्टा लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ठीक है जी। तो इस चीज को असेस करना इस मॉडल में है। फिर थर्ड नंबर पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट चेंजेस कैन वी मेक दैट विल रिजल्ट इन एन इंप्रूवमेंट, कि हम और इस तरह के कैसे चेंजेस कर सकते हैं जो कि हमारे पास जो है वो इंप्रूवमेंट में ही उनका रिजल्ट आएगा। यानी वो ऐसा नहीं होगा कोई साइड इफेक्ट आ गया, या ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है वो बेसिकली आपने जो भी सारे ऊपर काम किए हैं आपने उसको टेस्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास एक टेस्टिंग मॉडल आ जाता है कि आपने जो भी आपने सारे काम किए थे, जो भी आपने मेजर्स लिए थे, आपने उसको टेस्ट किस तरह से करना है, व्हाट चेंजेस कैन वी मेक दैट विल रिजल्ट इन एन इंप्रूवमेंट। अब आप इस तरह से कैसे देखोगे उसको, आप देखोगे एक टेस्ट की शक्ल में। टेस्ट अब आपके पास क्या है, वो आपके पास PDSA साइकिल है। PDSA साइकिल बेसिकली क्या है कि प्लान डू स्टडी एंड एक्ट, PDSA है। इसमें आपके पास क्या है, PDSA साइकिल आपको क्या बताता है बेसिकली, ये आपके उसी थर्ड क्वेश्चन के आगे से आपको आंसर देता है कि वंस अ टीम हैज सेट एन एम, एस्टैब्लिश इट्स मेंबरशिप एंड डेवलप मेजर्स टू डिटरमिन वेदर अ चेंज लीड्स टू एन इंप्रूवमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेस्ट अ चेंज इन द रियल वर्क सेटिंग। यानी आपने सारा प्लान कर लिया, आपने एक टीम भी इकट्ठी कर ली, लोग भी यानी मेंबरशिप भी हो गई, सारा कुछ हो गया, मेजर्स भी आपने फाइनलाइज कर लिया कि ये काम अब हमने करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब आपके पास क्या है कि आपने टेस्ट करना है रियल वर्क एनवायरमेंट के बीच में, रियल वर्क सेटिंग के बीच में जो भी चेंज आप लेकर आना चाह रहे हो उसको। ठीक है जी। द प्लान डू स्टडी एक्ट PDSA साइकिल इज शॉर्ट हैंड फॉर टेस्टिंग अ चेंज, यानी ये आपके पास जो भी चेंज लेकर आ रहे हो उसको टेस्ट करने का एक तरीका है। By planning it, trying it, observing the result and acting on what is learned. यानी अब इसमें planning है, ठीक है जी, कि सबसे पहले plan, do, study, act. Planning है यानी जो भी आपने सारा प्रोसेस कर लिया उसको आपने टेस्ट करने के लिए उसकी पहले प्लानिंग करनी है, फिर आपने उसकी जो है वो आपके पास एक आ जाएगा कि आपने उसको ट्राई करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपके पास स्टडी आ जाएगा कि जो आपने सारा इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी है, जो प्लान भी बनाया था इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी, फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है, कि आपने जो भी सारा काम किया है उसके आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। फिर लास्ट आपके पास आता है एक्शन का वर्ड, ठीक है जी, यानी एक्ट। एक्शन में आपके पास क्या है कि जो भी आपने पीछे सारी स्टडी की है अब आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं,
इस्तेमाल अब आपने कैसे करना है, इस्तेमाल आपने से करना है कि आपने सारे उसके जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं, जो नेगेटिव आउटकम्स हैं उनको देखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, डिटरमिन करना है कि कौन सी चेंजेस जो है वो करनी चाहिए जो वाकई आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है जी। दिस इज द साइंटिफिक मेथड यूज फॉर एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग, यानी ये आपके पास एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग के लिए एक साइंटिफिक मेथड है, PDSA साइकिल। तो ये अगर आप मॉडल फॉर इंप्रूवमेंट देखो तो इसमें हमारे पास जो तीन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, हाउ विल वी नो दैट अ चेंज इज एन इंप्रूवमेंट, और आपके पास के व्हाट चेंज कैन वी मेक दैट विल रिजल्ट इन एन इंप्रूवमेंट, ये आगे। उसके बाद अब आपने जो टेस्टिंग करनी है अपने सारे प्रोसेस की वो आप PDSA मॉडल के थ्रू करते हैं, ठीक है जी। एक ये चीज आ जाती है, अब आपके पास रीजंस क्या है जी, जो भी आपने चेंज किया है, चेंज लाना चाह रहे हो उसको टेस्ट करने के, टेस्ट करने के अब आपके पास रीजंस क्या होने चाहिए। नहीं, आप ये बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि जो PDSA मॉडल है आप उसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, टू इंक्रीज योर बिलीफ दैट द चेंज विल रिजल्ट इन एन इम्प्रूवमेंट, के आपका ये यकीन बढ़ाने के लिए कि जो भी आप चेंज कर रहे हो उसकी वजह से बना कोई इम्प्रूवमेंट ही होगी, टू डिसाइड विच ऑफ सेवरल प्रपोज चेंजेस विल लीड टू द डिजायर्ड इम्प्रूवमेंट, ये डिसाइड करने के लिए कि जो भी प्रपोज चेंजेस आप लेकर आ रहे हो वो आपके पास जो डिजायर्ड आपका रिजल्ट है आपको वही देंगी। टू इवेल्युएट हाउ मच इम्प्रूवमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चेंज, यानी ये इवेल्युएट करने के लिए कि जो भी आप चेंज लेकर आ रहे हो उससे आप कितनी जो है वो इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। टू डिसाइड वेदर द प्रपोज चेंज विल वर्क इन द एक्चुअल एनवायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखने के लिए कि जो भी प्रपोज चेंज है आपका वो एक्चुअल एनवायरमेंट में भी काम करेगा, सिर्फ ये थ्योरेटिकली ही काम कर रहा है, ठीक है जी। टू डिसाइड विच कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस विल हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ क्वालिटी, ये देखने के लिए कि जो भी आपके चेंजेस हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस हैं वो कौन कौन से होने चाहिए जो कि आपके डिजायर्ड इफेक्ट्स आपको देंगे। फिर टू इवैल्यूएट कॉस्ट, सोशल इंपैक्ट एंड साइड इफेक्ट फ्रॉम अ प्रपोज्ड चेंज, यानी कॉस्ट देखने के लिए, सोशल इंपैक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, या जो भी चेंज आ रहा है उसके साइड इफेक्ट्स को आप देखना चाह रहे हो, तब आप टेस्ट लेकर आओगे बीच में, या टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस अपॉन इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो भी जब भी आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके रिजल्ट में उसके सामने अब आपको जो भी रेजिस्टेंस जो देखनी पड़ेगी उसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें देखने के लिए आप अपने पास एक टेस्ट लेकर आते हो, यानी जो है जो भी चेंज आप लाना चाह रहे हो आप उसको टेस्ट कर, ठीक है जी। अब इसमें स्टेप वन आपके पास प्लान है, प्लान क्या है, प्लान द टेस्ट और ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग अ प्लान फॉर कलेक्टिंग डेटा, कोई भी जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, जो भी स्टडी करनी है उसके लिए पहले डेटा कलेक्ट करो, फिर स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, यानी जो भी आपका टेस्ट था उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मेक प्रिडिक्शंस अबाउट व्हाट विल हैपन एंड व्हाई, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्शंस की क्या होना चाहिए और किस तरह से क्यों होना चाहिए, डेवलप अ प्लान टू टेस्ट द चेंज, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाट डेटा नीड्स टू बी कलेक्टेड, यानी आपने प्रॉपर प्लान बनाना है। स्टेप टू में अब आपके पास डू है, डू क्या है कि ट्राई आउट द टेस्ट ऑन अ स्मॉल स्केल, स्मॉलर स्केल पर आपने इसको ट्राई करना है, कैरी आउट द टेस्ट, टेस्ट को कैरी आउट करें, उसको जो है वो डॉक्यूमेंट करें प्रॉब्लम्स को, अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन को, जो भी आपके सामने अब आपको जो प्रॉब्लम्स जो आप थ्रेटिकली बात कर रहे थे जब उस टाइम आपको देखने को नहीं मिली थी, जब आप उसको करोगे उस टाइम पे आपको मिलेंगी। फिर बिगिन एनालिसिस ऑफ द डाटा, जो भी डाटा आपके पास आ रहा है आपने उसका एनालिसिस करना है। स्टडी में क्या है जी कि सेट असाइड टाइम टू एनालाइज द डाटा एंड स्टडी द रिजल्ट, कंप्लीट द एनालिसिस ऑफ द डाटा, यानी जो भी आपने डाटा इकट्ठा किया उसका एनालिसिस करें, जो आपने काम किया है उसको एनालाइज करें, उसके बाद इस डाटा को जो प्रीवियस आपके पास से कोई डाटा है उससे कंपेयर करें, जो आपने न्यू प्रेडिक्शंस किया उससे कंपेयर करें, समराइज एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वाज लर्नड, यानी आपने इस सारी चीज में जो है जो भी अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन मिली है या जो भी आपने चीज पढ़ी है आपने उसको जो है वो समराइज करना है और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट अपॉन करना है। और जो नंबर फोर पर आपके पास स्टेप आता है वो है एक्शन का, एक्शन में क्या है कि रिफाइन द चेंज बेस्ड ऑन व्हाट वाज लर्न्ड फ्रॉम द टेस्ट, बेसिकली आपने जो है जो भी चेंज लाना चाह रहे थे आप उसको रिफाइन करें, ठीक है जी, जो भी उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी मजीद आप उसको इम्प्रूव करें, और जो भी टेस्ट के रिजल्ट से आपको जो चीज़ें पता चली हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स आप लाना चाह रहे थे अपने चेंज में आप वो लेकर आएँ, डिटरमिन व्हाट मॉडिफिकेशन शुड बी मेड, यानी जिस तरह भी आपने मॉडिफाई करना है वो करें, एंड देन प्रिपेयर अ प्लान फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, और जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है उसके लिए प्लान है वो प्रिपेयर करें, ठीक है। ये चीजें आपकी PDSA मॉडल में आती हैं। अब जैसे ये है, एक छोटी सी एग्जांपल है बड़ी बेसिक किस्म की, कि अगर डायबिटीज है तो उसके प्लान विजिट फॉर ब्लड शुगर मैनेजमेंट जो है वो कैसे हो सकते हैं। अब प्लान इसमें क्या है कि यानी आपने इरादा इसमें क्या करना है, ये आप क्या चेंज लाना चाह रहे हो कि आस्क वन पेशेंट इफ ही और शी वुड लाइक मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू मैनेज हिज और हर ब्लड शुगर, यानी प्लान आपका क्या था कि आपने किसी भी मतलब आपने किसी भी एक पेशेंट से ये चीज ये क्वेश्चन पूछना है कि उसको अपनी ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए मजीद इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है जी, आपने उससे ये चीज पूछनी है। डू में क्या है कि जो भी आपका डॉक्टर जे है वो अपने फर्स्ट पेशेंट से जो है वो इससे रिलेटेड डायबिटीज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेगा। स्टडी में क्या है कि डॉक्टर जे ने ये ऑब्जर्व किया कि पेशेंट जो है मेरी बात में इंटरेस्टेड है, ठीक है जी, यानी पेशेंट इंटरेस्टेड है तो यानी ये चीज को आप अपने स्टडी उसमें लेकर आ सकते हो, यानी ये आपको रिजल्ट मिलेगा।
से, ठीक है। डॉक्टर जे वॉज प्लीज ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी आपको रिस्पॉन्स मिला था कि आपने पहले प्लान किया कि आपने कहा पेशेंट से ये नहीं एक क्वेश्चन ये लाजमी करना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन किया गया, ठीक है। और स्टडी में क्या हुआ कि जो क्वेश्चन करने के बाद जो पेशेंट से रिस्पॉन्स मिला आपने उसको ऑब्जर्व किया, और एक्ट में क्या होगा कि डॉक्टर जे विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 5 पेशेंट्स एंड सेट अप अ प्लान विजिट फॉर दोज हु से यस। यानी एक्शन अब इसमें क्या होगा कि आप अगले 5 पेशेंट से जो है यही वाला क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो उनके रिस्पॉन्सेज आएंगे तो उसके बाद जो है वो क्या होगा कि आप एक प्रॉपर प्लान विजिट जो है वो उसको प्रॉपर प्लान करेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है जी। यानी जिन जिन पेशेंट्स ने यस कहा था, तो इस तरह से यानी आप जो PDSA मॉडल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल है सिर्फ समझाने के लिए कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपके पास आती हैं इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज और टूल्स। अब इसमें ये है कि ये वाले जो इम्प्रूवमेंट टूल्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। इन टूल्स का बेसिकली क्या काम है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाते हैं हेल्थ केयर के अलावा भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये फ्लो चार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉज इफेक्ट डायग्राम्स हैं, फिश बोन डायग्राम है, इशिकावा डायग्राम्स हैं, पेरेटो चार्ट्स हैं, रन चार्ट्स हैं, ये बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं यही देखने के लिए कि आपका सिस्टम कितने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें बेसिकली 7 कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन यहाँ पे हम आपको सिर्फ 4 को स्टडी करेंगे, ठीक है जी। फ्लो चार्ट्स के बारे में हम सबको आइडिया होगा फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट शोज द सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ प्रोसेस एंड द डिसीजन नीडेड टू मेक द प्रोसेस वर्क। यानी बेसिकली आप लोगों ने अभी भी अपनी एजुकेशन के बीच में भी फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से सिक्वेंशियल स्टेप्स की फॉर्म में आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है जी। विदिन द चार्ट या विजुअल रिप्रेजेंटेशन एवरी स्टेप इज इंडिकेटेड बाय अ शेप। हर स्टेप को जो आप किसी न किसी शेप से इंडिकेट करते हैं। दीस शेप्स आर कनेक्टेड बाय लाइंस एंड एरोज टू शो द मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। ये बेसिकली आपको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दिखाने के लिए आपने एरोज लगाए होते हैं, ठीक है जी, या लाइंस लगाई होती हैं जो आपको बेसिकली सिक्वेंशियल स्टेप्स के बारे में नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप के बारे में बता रहे होते हैं। अब जिस तरह का ये आपके पास एक फ्लो चार्ट है, ये बेसिकली बता रहा है आपके पास के सबसे पहले आप ओपीडी में देखेंगे, ओपीडी फ्लो चार्ट है, ये आपको बता रहा है कि एचआईवी की और एड्स कोऑर्डिनेटिंग टीम कमेटी जो है वो किस तरह से काम कर रही है, यानी कमेटी किस तरह से काम करेगी। उसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होंगे उनको एक साइड पर करके उनका अलग से आप भी नहीं जो काम करेंगे, जो वॉक इन पेशेंट है आप उनको अलग से ट्रीट करेंगे, फिर जो दूसरे हॉस्पिटल से रेफरल्स हैं उनको आप अलग से किस तरह स्टेप बाय है वो अलग जो है वो उनको आप देखते जाएंगे, और उनका जो एक प्रोसेस है कि उन्होंने किस तरह से आना और किस तरह से उन्होंने मूव करना है आप बेसिकली एक स्टेप बाय फॉर्म में बता रहे हो। अब ये चीज अगर आप किसी ऐसे बंदे के सामने भी एक्सप्लेन करो जिसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता, तो वो भी फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक प्रोसेस को समझ जाएगा कि अच्छा इस तरह यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है जी। तो ये फ्लो चार्ट आपको बेसिकली ये जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर आपके पास कॉज इफेक्ट डायग्राम है, इसको शिकावा डायग्राम भी कहते हैं। ये बेसिकली आपके पास एक फिश बोन शेप इसको डायग्राम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कॉज इफेक्ट डायग्राम इज अ विजुअल टूल यूज्ड टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज पॉसिबल कॉजेस फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इफेक्ट बाय ग्राफिकली डिस्प्लेइंग देम इन द इंक्रीजिंग डिटेल सजेस्टिंग कॉजल रिलेशनशिप अमंग थ्योरीज। ये बेसिकली आपको जो है बता रही है कि जो कॉजेज हैं किसी भी चीज को किसी भी चेंज के इम्प्लीमेंट होने में उसके बेसिकली उनके कॉज को और उसके बाद जो कॉज के बाद रीजन के बाद जो इफेक्ट आ रहा था उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, ये आपको बेसिकली यहाँ पे वो बताया जा रहा होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये आपके पास फिश बोन डायग्राम है, ये इस तरह से आपको एक्सप्लेन करी है फिश बोन डायग्राम के इसकी अपेयरेंस जो है जिसकी शक्ल है वो बेसिकली वो फिश बोन की तरह है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको लाइंस इस तरह की नजर आ रही है और एंड पे आपको जो एक आउटकम इसमें मिल रहा है पुअर क्वालिटी ऑफ केयर जो आपको इसमें नजर आ रही है वो बेसिकली ये चीज आपको उसमें बताई जा रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपके पास जो है इसमें चीजें आती हैं रन चार्ट्स है। रन चार्ट्स बेसिकली क्या है कि टू स्टडी कलेक्टेड डेटा फॉर ट्रेंड्स और पैटर्न्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये बेसिकली आपको ट्रेंड्स बताते हैं या पैटर्न्स बताते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया था या जो भी स्टडी आपने कंडक्ट की थी वो आपके पास किस तरह से काम कर रही है, ठीक है जी। अब रन चार्ट के आप देख लो कि ये आपके पास एग्जाम्पल है कि किस तरह से आपने ओवर टाइम आप देख रहे हो कि वीक 1, 2, 3, 4 पे जो है वो कल्चर का जो रिजल्ट है वो किस तरह से आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिकली किसी भी चीज का ट्रेंड आपको बता रहे होते हैं। आपने अगर हॉस्पिटल के बीच में भी या किसी भी इस तरह की सेटिंग के बीच में आपने किसी भी प्रोसेस का ट्रेंड देखना हो कि हमने इतने पेशेंट आ रहे थे इतने पेशेंट का हम लोगों ने ओवर टाइम ये रिजल्ट हमने लेना चाहा तो उससे हमें क्या इफेक्ट आगे से मिला, तो ये चीजें आपको जो है वो रन चार्ट के थ्रू पता चलती है, ठीक है जी। पेरेटो चार्ट आपके पास क्या है कि इज अ बेसिक क्वालिटी टूल दैट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंट डिफेक्ट कंप्लेंट्स और एनी अदर फैक्टर यू कैन काउंट एंड कैटेगराइज। पेरेटो चार्ट बेसिकली आपको जो है वो बताते हैं कि
आपने प्रायोरिटाइज किस चीज को करना है, यानी आपकी जो है आपके पास डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स आ रहे हैं, एक सिस्टम है उसमें काफी फ्लॉज होते हैं, तो आपने उसमें से ये देखना है कि कौन से फ्लॉज जो है वो आपकी प्रायोरिटी पे होने चाहिए जिनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डिफेक्ट्स हैं या मोस्ट फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स हैं आपने उनको सॉल्व करना है। पेरेटो चार्ट आपको ये बताता है, इट इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट इन विच द वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एन ओवरऑल इफेक्ट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इफेक्ट, यानी अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि आपने उनको किस तरह से जो डेटा को अरेंज करना है। दिस ऑर्डरिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई द वाइटल फ्यू, यानी जो आपके पास वो उस तरह के जो इफेक्ट्स हैं जो भी वाइटल फ्यू हैं आपने उनको देखना है, द फैक्टर्स दैट वारंट द मोस्ट अटेंशन, जिन फैक्टर्स को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है जो आपके वाइटल फ्यू हैं। Using a Pareto chart helps the team concentrate its effort on the factors that have the greatest impact, यानी जिन फैक्टर्स का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। It also helps a team communicate the rationale for focusing on certain areas, यानी जो वही बात है कि जो स्पेसिफिक एरियाज हैं आपने उनके ऊपर किस तरह से फोकस करना है। एक सिस्टम के बीच में काफी मसले आ सकते हैं, काफी फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन आप हर फ्लॉ को छोटे से छोटे मसले को ट्रीट करने से पहले आपकी प्रायोरिटी जो है वो एक बड़े प्रॉब्लम के ऊपर होनी चाहिए, एक बड़े डिफेक्ट के ऊपर होनी चाहिए ताकि आप उसको ठीक कर सको। तो ये जो वो चीज जो है वो आपको पेरेटो चार्ट से पता चलती है और ये आपके पास इस फॉर्म में होता है। ठीक है जी, तो ये बार चार्ट की फॉर्म में आपके पास होगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह का पेरा था आपके पास, ये पेरेटो चार्ट ही है। ठीक है जी, तो ये आपका आज का लेक्चर था क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। इसमें अब आप लोगों ने जो कुछ नई चीजें पढ़ी है, पीडीएस से मॉडल है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का जो एक मॉडल है वो क्या होता है, वो तीन क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने के, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और उनकी डिटेल यानी वो क्या होते हैं। इसके अलावा ये कि जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टूल्स कौन कौन से होते हैं और इनका क्या फायदा है, ये आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है जी, चार ही हैं और इन चार को आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी करना है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम ये जो लास्ट वाला ग्राफ था और इससे एक ऊपर वाला ग्राफ था वो एक्सप्लेन कर दें दोबारा। जो आपके पास लास्ट वाला स्क्रीन शेयर हो रही है नजर आ रहा है? बात सुने जी 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 बोले। इसका ये जो पेशेंट सेफ्टी का है हमारा फाइनल रिटर्न होगा या सिर्फ वाइवा होगा इसका? इसका आपका रिटर्न एग्जाम होगा। सॉरी, रिटर्न एग्जाम होगा आपका इसका और इसका वाइवा भी होगा हमारा। सॉरी, इसका वाइवा भी होगा हमारा। वाइवा का अभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसका वाइवा होता है, मैं से एक दफा कंफर्म कर लूंगी, लेकिन आई डोंट थिंक उसका वाइवा, इसका सिर्फ रिटर्न। मैम इसके असेसमेंट प्लान में क्या-क्या ऐड है, मतलब कि एक रिटर्न एग्जाम ही है या इसके अलावा और भी कुछ है? इसके असेसमेंट प्लान में इसका सिर्फ रिटर्न एग्जाम ही है एज फार एज आई नो। मैं इसका रिटर्न प्लान आपके ना एलएमएस में शेयर कर दूंगी। ठीक है, वहां पे मैं डाल दूंगी। मैम क्या मतलब कि 100% का रिटर्न एग्जाम हो जाएगा? हां, हो सकता है इसका 100% का रिटर्न एग्जाम हो, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है वो सिनेरियो बेस्ड भी बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या कहते हैं इसी तरह की फॉर्म में, जिस तरह की ये डायग्राम्स वगैरह है ये देखकर आपसे पूछ लिया जाए कि चीजें कौन सी। मैम लेकिन आपने कहा था कि आप पता नहीं एक असाइनमेंट ले लेंगी हमारी यहाँ, मतलब कोई इस तरह कोई असेसमेंट लेंगी जो आधे परसेंट उसमें चला जाएगा और आधे परसेंट हमारे फाइनल में चला जाएगा, आपने ऐसे बोला था? अरे असल में ये है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ मैं नहीं ना पढ़ा रही है, मेरे साथ यानी और दो तीन लोग और भी हैं, दो तीन और रिसोर्स पर्सन हैं वो भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनसे डिस्कस करके फिर ही आपके साथ शेयर होगा कि जो है इसको किस तरह से लेकर चलना चाहिए। रिटर्न एग्जाम तो मस्ट है, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि पूरा 100% का एक रिटर्न एग्जाम ही होता है, क्योंकि मैम लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि अब ना मिड्स तकरीबन खत्म होने वाले हैं, एक एक रह गए हैं। क्या हो गया? क्या खत्म होने वाला? फातिमा पट बोलो। मैम कह रही है कि एक ना मिड खत्म हो गया तकरीबन, तो उसके ना ईद के फौरन बाद हमारे ना वाइवा स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछ रही थी ना कि अगर वाइवा होना है ताकि उस हिसाब से हम तैयारी करें ना, क्योंकि ईद के फौरन बाद आप भी देख ले, क्योंकि फौरन वाइवा स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, आगे फिर टाइम नहीं हमारे पास ना, सारे सब्जेक्ट्स के स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर वाइवा इसका हो भी जाता है तो 700 सब्जेक्ट, इसमें क्या टेंशन आप लोगों को।
ये कौन सा मैम मैम आपने ना मैम आपने वैसे कोशिश यही करनी है कि सब सब टीचर्स के साथ डिस्कस करके इसके हाफ परसेंट मतलब असेसमेंट में चले जाएं और हाफ जो है मार्क्स वो फाइनल में चले जाएं, क्योंकि पूरा पेपर 100% 100 मार्क्स का अगर हम देंगे तो मैम उसमें मिस्टेक्स होती हैं। अगर हमारे पूरे 100 मार्क्स उसमें से कहते हैं मतलब आप समझ रही है ना किस तरह हमारे मार्क्स आएंगे और आएंगे मतलब जैसे ठीक है वो देखते हैं डिस्कस करते हैं इसको भी क्या होगा अगर रिटर्न हो जाता है या इसके साथ अगर कुछ और मैं बताती हूँ आप बता दें मैम वो कहना चाह रही है कि जो आप कह रही थी ना कि जैसे अब ये तो खैर हमारा वन क्रेडिट आर्ट्स का है ना, तो वो कहना चाह रही है कि इसके साथ ना आप कोई और असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन इस टाइप ले ले, तो मतलब 50% उसका कर दे 50% इसका, क्योंकि मोस्टली रिटन एग्जाम में ये होता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो वो इस वजह से कह रही है कि ताकि आप ना आधी असेसमेंट उसमें ले लें प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट में और आधी आप ना रिटन एग्जाम में ले लें। यस मैम मैम फिर इस तरह ये होगा ना कि हमें ये तो पता होगा कि हमारे 50% सिक्योर हैं और बाकी 50% में से हम लोगों ने मतलब मार्क्स ठीक है, ठीक है। ये भी किया जा सकता है, मैं इसको डिस्कस कर लूंगी एक दफा और फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी तो मिड्स देके हटे हो, अभी थोड़ा रिलैक्स करो अपने दिमाग को। और मतलब जैसे बाकी पेपर्स में हमारे एमसीक्यूज आते हैं, इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे शॉर्ट लॉन्ग दोनों, एमसीक्यूज नहीं होंगे ये आंसर्स ही होंगे एमसीक्यूज, वो तो फिर डिपेंड करता है ना इसके ऊपर कि अगर रिटन पेपर ही देना है तो उसमें फिर कुछ जो पार्ट है वो आपके एमसीक्यूज का रख दिया जाएगा, कुछ जो वो एमसीक्यूज रख देंगे, कोई एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि नहीं आप इसको एक्सप्लेन करें किसी मैम स्टेप। अगर मैम अगर इसका 100% ही आप रखेंगी ना अगर फाइनल, तो फिर मैम फिर एमसीक्यूज दें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहने दें। नहीं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें बनते हैं ठीक है, ये नहीं ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होता है ना, ये नहीं अब जैसे इसमें मॉडल्स हैं थ्योरीज हैं तो ये अगर आप लॉन्ग में अगर आपको लिखने को आ जाता है तो आप इसको फ्लो चार्ट के साथ या किसी भी डायग्राम के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो ये चीज जरा उसमें चली जाती है, तो क्वेश्चन तो इसमें बनेगा चाहे एक बने दो बने लेकिन बनेगा ठीक है। वो तो मैम कर देंगे लेकिन मैम आप जो लेक्चर है ना आपका उसके एंड में ना आप थोड़े से क्वेश्चन लिख दिया करें ताकि उस हिसाब से हमें आइडिया हो किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से, जैसे मोस्टली लेक्चर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं। अरे पेपर ना लिख दिया करूंगी यही क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। नहीं 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 जैसे ना नहीं नहीं जैसे बाकी लेक्चर्स होते हैं ना उसके एंड में ना क्विज टाइप होता है ना, दो तीन एमसीक्यूज दिए होते हैं हर टीचर ने कि अब लेक्चर के बाद वो सॉल्व करो ना कि आपको समझ आई है या नहीं, ऐसे आप ना दो तीन क्वेश्चन देके ना आप उसी टाइम बेशक पूछ ले ताकि उस हिसाब से फिर हम तैयारी करें। मैम जैसे ना हम पेपर से पहले ही जो है ना वो इसका एक छोटा सा इस तरह का जो है वो नॉन ग्रेडेड टेस्ट या कोई क्विज भी रख लेंगे इसका ठीक है, पेपर से पहले आपके फाइनल से पहले ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके मैम मैम इसके टोटल लेक्चर्स बता दे, मैम टोटल लेक्चर्स कितने हैं इसके? टोटल लेक्चर्स बेटा 11 है 7 हो गए हैं और अब आपके जो है वो 4 लेक्चर्स रह गए हैं ठीक है, बाकी 2 लेक्चर्स तो थोड़े से शॉर्ट भी हैं तो अगर हो सके तो हम उनको कंबाइन कर लेंगे, नहीं एक ही लेक्चर में 2 लेक्चर्स हम लोग ले लेंगे ठीक है, इस तरह भी कर लेंगे। जी जी मैम ठीक है चलें जी। ये अब मैं एक्सप्लेन कर दूं या पहले खुद पढ़ना है उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगी, ये वाली जो चीजें अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ी है चार्ट्स के बारे में। मैम ये चार्ट्स ही हम चार्ट्स में बता देती हूँ, चार्ट्स बेसिकली सिर्फ ये है कि आप लोगों ने इनकी डिटेल्स में ये करना है कि इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, फ्लो चार्ट जो है वो क्या होता है वो आपको क्या बता रहा है, फ्लो चार्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए आपके पास। मैम ये वाला नहीं जो नीचे था, इससे नीचे वाला था फिशबोन डायग्राम या रन चार्ट? मैम ये अगला इससे नीचे अगली स्लाइड ये पैरेटो चार्ट। अच्छा मैम ये जो पीछे था रन चार्ट? यस मैम। रन चार्ट बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने वैसे भी ये इकोनॉमिकली भी यानी इकोनॉमिक्स के बीच में भी ये वाले चार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बेसिकली आपको ट्रेंड बता रहे होते हैं कि किसी भी चीज का ट्रेंड क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसमें आपके पास टाइम की इन्वॉल्वमेंट भी होती है ठीक है, यानी टू स्टडी कलेक्टेड डेटा फॉर ट्रेंड्स और पैटर्न्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, रन चार्ट्स हेल्प आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ ट्रेंड, ये आपको बेसिकली ट्रेंड्स बताने के लिए होते हैं किसी भी चीज का ठीक है जी, कि किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर या इतने 4 सालों में 5 सालों में जो है अगर इकोनॉमी की बात है, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप इकोनॉमी की बात ही कर लेते हो तो आपकी इकोनॉमी जो है वो 2015 से लेकर 2021 तक कितनी इंप्रूव हुई है या कितनी डाउन गई है, तो ये चीजें जो है ये आपकी रन चार्ट्स में आती है ठीक है। रन चार्ट्स बेसिकली आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो इनकी अपीयरेंस जो है वो इस तरह की होती है ठीक है, टाइम के हिसाब से जो आप किसी भी चीज को फॉलो कर रहे होते हो।
तो ये यानी आप ये बता रहे होते हैं कि किसी भी जजमेंट आप बेसिकली एक चीज की कर रहे होते हो कि अगर सपोज आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड एक चेंज लेकर आए हो तो 6 महीने में, साल में जो है, या आप हर मंथ के हिसाब से अगर उसका डेटा निकालते जाओ कि आपने ये इंप्रूवमेंट की थी अपने सिस्टम में तो इसका आपके पास किस तरह का इम्पैक्ट आया था, अच्छा इम्पैक्ट था, बुरा इम्पैक्ट था, तो ये चीजें जो है वो आप रन चार्ट के थ्रू देख सकते हो। यानी जहां पर आपके पास टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वहां पर आपके पास रन चार्ट आएगा। ठीक है, तो मैम रन चार्ट था ये जो ब्लू और रेड लाइनिंग है। जी, हाँ जी, ये रन चार्ट आपको बेसिकली बता रहा है ना। नीचे देखो ना, आपके पास वीक आ रहे हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, ठीक है, वीक 12 तक आपके पास वीक आ रहे हैं, बेसिकली आपको टाइम बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरे एक्सेस पे आपके पास जो है वो कल्चर रेट बता रहे हैं कि पर 100 पेशेंट जो है वो आपका कितना कल्चर हुआ था, कल्चर रेट क्या था। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए कि ब्लड कल्चर की आपके पास जो है वो अगर आप टाइम के हिसाब से देखो तो यानी कितने कल्चर हुए हैं। ठीक है मैम, कल्चर रेट मतलब जितना वो कोई किसी भी चीज की अमाउंट है। हाँ, कल्चर, ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। कल्चर रेट से मुराद बस सिर्फ ये है कि ये लैब टेस्ट हो रहा है कोई, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है वो मतलब अगर इतने पेशेंट हैं तो कितने पेशेंट का कल्चर हुआ है। कल्चर वो पता है ना, लैब के बीच में ये नहीं होते हैं सारे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए बताया हुआ है कि अगर आपने 12 वीक तक आप देख रहे हो, वीक 1 में जो है वो तकरीबन ये समझ लो कि 12-13 पेशेंट के कल्चर हुआ, ठीक है जी, यानी उनका ब्लड सैंपल लिया गया या उनका ब्लड कल्चर हुआ। वीक 12 में आप देख रहे हो तो बिल्कुल ही कोई तकरीबन 7-8 पेशेंट का हुआ था, ठीक है, यानी 10 से नीचे नीचे था, 0, 5, 10, 15 जो है बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट है। ठीक है, एवरेज तो आपको ये ओवर द टाइम बता रहे हैं कि अगर आप वीक 9 में देख लो तो आपके पास सबसे कम जो है वो पेशेंट का कल्चर हुआ है। ठीक है, पता चल रहा है, कोई समझ आई है इसकी ये किस तरह से ये काम कर रहा है? यस मैम। तो ये आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जो चेंजेस आ रही हैं उनको आप कैसे बता रहे हो, ये आपके पास इसमें रन चार्ट में आता है। जो पारेटो चार्ट है आपके पास बेसिकली ये बताता है कि आप यानी वही बात है कि आपके सिस्टम में कई सारे फ्लॉज होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें से कौन सी प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपने एड्रेस सबसे पहले करना है, यानी अगर आपने प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आपने बात करनी है तो वो आपको पारेटो चार्ट से पता चलती है। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल एज सच जो है वो नीचे मैं दिखाती हूँ। उसके बाद ये सारा वही है कि मतलब इसकी सारी डेफिनेशन है कि पारेटो चार्ट आपके पास बार चार्ट की फॉर्म में होता है जो आपको वेरियस फैक्टर्स बताता है। ठीक है, कि जो एक पूरा ओवरऑल इफेक्ट आना है वो आपको कैसे पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इफेक्ट, यानी अपनी इफेक्ट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से, यानी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो अभी यहाँ पे अगर आप लोग देख लो तो ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉजेज ऑफ पेशेंट फॉल्स, यानी पेशेंट फॉल्स के कॉजेज आपने देखनी है। अब कॉजेज में जो है वो सबसे जो लीस्ट नंबर ऑफ यानी काम आपके पास हो रहा है या लीस्ट नंबर ऑफ चीज चेंज आपके पास आ रहे हैं वो अनअटेंडेड पेशेंट है, इसकी वजह से ऐसा जो आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। सबसे ज्यादा पेशेंट की जनरल कंडीशन की वजह से जो है वो पेशेंट फॉल ज्यादा हो रहा है, ये यानी कॉल आपको उस तरह तरीके से बता रहा है। अगर अब इस चार्ट को अगर आप फॉलो करते हो, अगर आपने इम्प्रूव करना है अपने सिस्टम को, तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा इसका बार चार्ट सबसे ज्यादा हाई है, यानी जो चीज आपको सबसे ज्यादा नजर आ रही है, आप सबसे पहले अपने उस कॉज के ऊपर फोकस करोगे, उसको ठीक करोगे, उसके बाद जाके आप जो बाकी है वो आपके यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उस हिसाब से। ठीक है, यानी ये आपको सिर्फ एक बता रहा होता है कि कौन सा जो आपकी जो आपका टास्क है या कौन सी जो आपका गोल है वो आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए जब भी आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करनी है उस टाइम पे। सही है जी, तो ये है आपका पेरेटो चार्ट। ठीक है जी, इनको एक दफा पढ़ लीजिएगा, इनकी डेफिनेशंस को आसान सी हैं, कुछ भी नहीं है, काफी आसान चीजें हैं, और इनकी जो आप अपेयरेंस है इनकी जो यानी ये किस तरह से चार्ट आपको नजर आते हैं आप लोगों ने इनको देखना है। जैसे फ्लो चार्ट है तो क्या होगा, अगर इस तरह की इमेज देके आपको पूछ लिया जाए कि ये क्या आपको बता रहा है, ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये फ्लो चार्ट है। ठीक है जी, और फ्लो चार्ट आपको कैसी इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपको स्टेप वाइज इन्फॉर्मेशन देता है या सिक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। मैम ये पैरेटो चार्ट एक मिनट ओपन कीजिएगा, ये लें मैम इसकी डायग्राम, डायग्राम ये लें। ओके मैम, ठीक है, क्लियर हो गया है कि किस तरह से यानी आपके पास सबसे ज्यादा कॉजेस क्या है पेशेंट फॉल के, वो आपके पास अगर आप पेशेंट की जनरल कंडीशन है, अगर वो सबसे ज्यादा आपके पास यानी हाई प्रायोरिटी पे आ रहा है कि पेशेंट की जनरल कंडीशन की वजह से पेशेंट फॉल जो है वो सबसे ज्यादा होता है, तो आपने पहले उसकी जनरल कंडीशन के ऊपर ही फोकस करना है कि आप जनरल कंडीशन पेशेंट की कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से करते करते बाकी चीजें जो आपके पास वो फिर लीस्ट प्रायोरिटी में आती जाती है। ठीक है, ओके मैम, तो ये अब आपके पास आपका चलें जी, इसको एक दफा स्टडी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी कर लेंगे और हम अगला लेक्चर भी अपना देख लेंगे।
ठीक है जी, ओके जी, रिकमेंड कर रही हूँ, क्लियर, क्लासेस।